तो ये देखो प्यारे बच्चे, अगर इस वाले न्यूमेरिकल को देखोगे यहाँ पे, तो एक लेडर है, 30 मीटर लेडर प्लेस टांगने, ये जो लेंथ है वो लेडर की, वो 13 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 13 मीटर। स्मूथ वर्टिकल वॉल, ये जो वॉल है यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, म्यू है वॉल पे। लोअर एंड वर्टिकल वॉल, इट्स लोअर इन 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉट शुड बी द मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड फ्लोर सो दैट रिमेन इक्विलिब्रियम। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर 5 मीटर पहले से दे रखा है ये वाली चीज़, इसलिए दे रखा कि आप एंगल निकाल लो। तो यहाँ पर म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, म्यू मिनिमम, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो सबसे पहले लगने वाले फोर्स अगर देखोगे, तो हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस लेडर। तो लेडर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रिक्शन तो 0 है, लेकिन यहाँ नॉर्मल आएगा, उसको मैं N2 बोलता हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड इधर आएगा, सीधा आएगा, जो मैं N1 बोलता हूँ। और इधर यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा क्योंकि स्लाइडिंग आगे है, और ये मिनिमम के केस में ये वाला जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। मिड पॉइंट पे 13/2 पे यहाँ पे इसका वेट Mg लगेगा। तो कुल मिला के अगर अच्छे से देखोगे, तो इस लेडर पे 4 फोर्स लग गए हैं, ठीक है ना। अब ये चारों मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हैं, तो ये लेडर थोड़ा घूमने का भी कोशिश करेगा, रोटेट करने का भी कोशिश करेगा। तो एक रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, टॉर्क लेने लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, तो नेट फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मस्ट बी 0 सिंस लीडर इन इक्विलिब्रियम। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए आपस में। तो एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो N2 बराबर होगा यहाँ पे फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन यहाँ म्यू, देख रहे हो, फ्रिक्शन की भी यहाँ म्यू N1 के बराबर होगा। अब यहाँ N1 जो है, तो वर्टिकल में अगर देखोगे, यहाँ वर्टिकल में देखोगे तो Mg बराबर होगी यहाँ से N1 के, ठीक है। तो इसको मैं N2 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ म्यू, N1 की वैल्यू Mg के बराबर है, तो ये आ जाएगा अपना मतलब ये वन है, N1 है, ठीक है, ये N1 है, क्योंकि वर्टिकल में दो ही फोर्स लग रहे हैं, Mg और N1। तो अगर मैं म्यू चाहिए, तो N2 निकाल लूँ, तो मेरे को म्यू पता चल जाएगा। और ध्यान रहना N2 फ्रिक्शन के बराबर है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मुझे एक और इक्वेशन बनाना है, तो मैं टॉर्क ले लेता हूँ, ठीक है ना। कहाँ पे टॉर्क लूँ, मैं टॉर्क ले लेता हूँ इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर अगर मैं टॉर्क लूँ, ये पॉइंट सी बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी बोल देता हूँ। तो टॉर्क कैसे लेते हैं, अगर टॉर्क टॉर्क एट द पॉइंट ए, टॉर्क एट पॉइंट सी, टॉर्क एट पॉइंट बी सब इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जितने फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उतने एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो मुझे ए पे लेने में क्या फ़ायदा है, N1 और फ्रिक्शन वहीं से पास हो रहे हैं, और उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। जो फोर्स वहीं से पास होते हैं, जहाँ टॉर्क निकालना होता है, उनका फोर्स 0 हो जाएगा, तो Mg का टॉर्क बच जाएगा। चलो ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो Mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये L/2 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये आ जाएगा L/2 cos थीटा, ठीक है ना। और N2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहाँ जहाँ हमें निकालना है ए पे, वहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और ये एल है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा हो जाएगा। इस ट्राइंगल में आ जाओ, बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो अगर मैं टॉर्क लिखूं ओ पॉइंट पे, टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0, तो जब दो ही फोर्स है, टॉर्क कैसे लिखा जाता, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जब दो ही फोर्स हैं, तो दोनों का टॉर्क तो इक्वल एंड अपोजिट होगा ना। तो अगर मैं Mg का टॉर्क देखूँ, तो Mg मल्टीप्लाइड बाई L/2 cos थीटा माइनस N2 मल्टीप्लाइड बाई L sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक कोई किसी का भी प्लस और माइनस ले लो, एक बोर्ड के अंदर जाएगा, एक बोर्ड के बाहर जाएगा स्क्रीन के, ठीक है। तो ये N2 और ये L sin थीटा आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको इसमें वैल्यू रख देना है। तो Mg L/2 cos थीटा बराबर होगा यहाँ से N2 L
साइन थीटा, तो एन टू की जो वैल्यू यहाँ पर देखोगे, एन टू की वैल्यू, तो एन टू की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी? एन टू की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर है, तो एन टू की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर है, एल साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा और यह आ जाएगा एम जी एल बाई टू कॉस थीटा। तो एम जी ने एम जी को यहाँ कैंसिल कर दिया, एल ने एल को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा यहाँ से? तो जो यहाँ से बचा उसको लिखता हूँ, तो 1/2 इधर बचा और इधर बचा म्यू टेन थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए था म्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये लेंथ 13 है, ये लेंथ 13 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर यहाँ से तुम देखोगे, 13 का स्क्वायर देखो यहाँ से कितना आ जाता है, तो 169 प्लस यहाँ से देखोगे 25, तो 169 और 25 यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से 4 और 9 और 194 के आस ये आ जाएगा 194। तो यहाँ से तुम देखोगे 1/2 यहाँ से म्यू, और टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी, तो 194 यहाँ से 194 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना से डिवाइड कर दो, 5 से, तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 और 194 अंडर। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद कितना आता है, सॉल्व करने के बाद आता है 0. यहाँ से 192 अप्रॉक्सीमेटली है, 0.2 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है, 0.2 जिसकी वैल्यू होगी, मतलब अपना सी ऑप्शन मैच कर जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।